नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बेहतरीन टूल के बारे में बताने वाला हूं जो कि बग बाउंटी के लिए ऑल इन वन टूल है, यानी कि रिकॉग्निशन से लेके आप वेब एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटीज ढूंढने तक के सारे काम इसी टूल की मदद से कर सकते हैं। और इस टूल का नाम है टीडॉस फ्रेमवर्क। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं इस टूल के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी और बग बाउंटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने काली लिनक्स इंस्टॉल कर रखी है अपने लैपटॉप में, और अब देखते हैं कि टीडॉस फ्रेमवर्क क्या है और कैसे वर्क करता है, और हम उसे बग बाउंटी या फिर एथिकल हैकिंग के लिए कैसे यूज़ में ले सकते हैं, स्पेशली वेब एप्लीकेशन बग बाउंटी और एथिकल हैकिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं उसका गिटहब रिपोजिटरी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये गिटहब रिपोजिटरी है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीडॉस फ्रेमवर्क ये, और अगर नीचे चलें तो नीचे देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, मैंने इंस्टॉल करके रखा है द ऑफेंसिव वेब एप्लीकेशन पेनेट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। और इसकी हाईलाइट अगर हम कुछ पढ़ें तो अ कंप्लीट वर्सटाइल फ्रेमवर्क टू कवर अप एवरीथिंग फ्रॉम रिकॉग्निशंस टू वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके रिकॉग्निशंस वल्नरेबिलिटी एनालिसिस तक आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके, ठीक है। इसमें क्या क्या है, तो हैज़ 5 मेन फेजेस सब डिवाइडेड इनटू अ 14 सब फेजेस कंसिस्टिंग ऑफ 108 मॉड्यूल। 108 मॉड्यूल अवेलेबल है इस फ्रेमवर्क के अंदर, और ये फ्रेमवर्क काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से मिलता जुलता फ्रेमवर्क है। अगर आपको मेटास्प्लॉइट चलाना आता है तो आप इसे भी बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर तीसरा पॉइंट पढ़े तो रिकॉग्निशंस फेजेस 50 मॉड्यूल ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो इंक्लूडिंग एक्टिव एंड पैसिव रिकॉग्निशंस, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर मॉड्यूल्स, ये सब आप कर सकते हैं। फिर स्कैनिंग में जाएं तो स्कैनिंग एन्यूमरेशन फेज है 16 मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग पोर्ट स्कैन, वेब एनालिसिस, सब कुछ। वेब यानी कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस फेज में 37 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेन फीचर्स की अगर बात करें तो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टीडॉस इज फुल्ली पोर्टेड टू पाइथन 3, ठीक है। पाइथन 3 में ये बना हुआ है, और एनोनिमिटी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं टॉर को इसके साथ, और एनोनिमस रह सकते हैं। फिर एक नया मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल किया गया है आर्प से, आर्प स्कैन का। फिर सपोर्ट नॉन डिफॉल्ट HTTPS पोर्ट्स भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर अपकमिंग जो भी कुछ आने वाला है इसमें ये, और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है इसका। आपको ये देखिए यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, क्लोन करना है गिट क्लोन से, फिर उस फोल्डर में जाना है, टीडॉस नाम के फोल्डर में आपको एंटर करना है सीडी टीडॉस करके, फिर sudo apt-get आपकी जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी वो सब इंस्टॉल करनी है। उसके बाद पाइथन 3 इंस्टॉल आप में पहले से होना चाहिए, तो pip 3 इंस्टॉल, रिक्वायरमेंट्स जो भी है आपको इंस्टॉल करनी है। ये बहुत ही कॉमन कमांड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि ये अगर आप काली लिनक्स में या फिर कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये कमांड रन करेंगे तो, मतलब यूज़ करते होंगे, तो ये बहुत ही इजी कमांड्स है आपके लिए। और इंस्टॉल होने के बाद ये सब रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल होने के बाद आपको sudo python 3 और tdos कंसोल आपको रन करना है, ठीक है। तो मैंने अपने लैपटॉप में पहले से ये अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ, ये टर्मिनल मेरा ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ सीडी टीडॉस फ्रेमवर्क में जाता हूँ, ठीक है। टीडॉस फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है, TDoS फ्रेमवर्क एंटर। तो मैं ये एंटर कर चुका हूँ TDoS फ्रेमवर्क के अंदर। अब यहाँ पे करते हैं ls। तो ये देखिए यहाँ पे requirement.txt है, ये आपको इंस्टॉल करनी है और इसके बाद आप रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए, मतलब इस पाइथन फाइल को रन करने के लिए जो कमांड है वो मैं बताता हूँ आपको, जो कि है sudo python 3, क्योंकि ये python 3 का फ्रेमवर्क है, तो आपको python 3 पहले से इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, tdos console.py। ठीक है, अब एंटर करते हैं, ये पासवर्ड मांग रहा है, हम पासवर्ड एंटर कर देते हैं। पासवर्ड एंटर करते ही ये कुछ पूछेगा, एंटर योर अनप्रिविलेज यूजर नेम नेसेसरी फॉर GUI। अगर आपको इसका GUI वर्जन भी है, अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, जो कि आपको एंटर करना पड़ेगा। लेकिन हम GUI नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम CLI यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं एंटर कर दे रहा हूँ। अब इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पाथ मॉड्यूल सब कुछ पूछ रहा है, नहीं करना है हमें, डायरेक्ट एंटर कर देते ही ये देखिए हमारा TDoS फ्रेमवर्क स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हम TDoS के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब अगर हमें हेल्प करना है तो हम क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे और क्वेश्चन मार्क करके एंटर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे इस फ्रेमवर्क की पूरी हेल्प सेक्शन एनेबल हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट है अटैक, यानी कि स्पेसिफाइड टारगेट पे अटैक करने के लिए ये कमांड है। उसके बाद टर्मिनल क्लियर करने के लिए, फिर टारगेट के क्रेडेंशियल हैंडल करने के लिए क्रेड्स है, फिर फाइंड करने के लिए, कोई अगर मॉड्यूल आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं फाइंड कमांड से। ये सारे कमांड्स है और मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ किसी एक वेबसाइट के ऊपर कि कैसे ये फ्रेमवर्क काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हमें करना है इस कमांड का इस्तेमाल, vicadd, यानी कि विक एड, यानी कि जो भी हमें टारगेट सिलेक्ट करना है उस टारगेट को हमें पहले ऐड करना होगा इसके अंदर। तो चलिए ऐड करते हैं vicadd करके, टारगेट का नाम लिखते हैं यहाँ पे, चलिए मान लीजिए मैं bugcrowd.com टारगेट लेता हूँ। ठीक है, तो bugcrowd.com मैंने लिखा और यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ मैं। तो ये पूछ रहा है कि डज दिस वेबसाइट यूज़ SSL? जी हाँ, ये SSL यूज़ करता है, यानी कि HTTPS पे चलती है ये साइट। तो मैं Y टाइप करके एंटर कर देता हूँ। डज दिस साइट यूज़ कस्टम पोर्ट? ये हमें नहीं पता है ये यूज़ करती है नहीं, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अगर नहीं पता तो आप सिंपली एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये देखिए यहाँ पे उसने इस फ्रेमवर्क ने bugcrowd का IP एड्रेस डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमें कोई यूज़र नेम अगर एंटर करना है तो पूछ रहा है, हमें नहीं करना है एंटर, पासवर्ड नहीं करना है एंटर। तो हम सिंपली दो बार एंटर कर देंगे और ये देखिए टारगेट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है हमारे फ्रेमवर्क के अंदर, bugcrowd.https bugcrowd.com। ठीक है, तो चलिए अब हम मॉड्यूल्स फाइंड करते हैं जो कि हमें फाइंड करना है कमांड से। ठीक है, और अगर और कुछ फाइंड करना है तो देखिए इंट्रो टाइप करेंगे तो डिस्प्ले इंट्रो कर देगा, यानी कि यही आपको लिस्ट करके देगा, डिस्प्ले करके यही कमांड सारे डिस्प्ले करके देगा। और लिस्ट, लिस्ट ऑल मॉड्यूल्स ऑफ कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी आपको पता है उसके सारे मॉड्यूल्स आपको लिस्ट करने हैं तो आप लिस्ट कमांड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है कि सारे मॉड्यूल्स और सारी कैटेगरीज के सारे मॉड्यूल्स हमें लिस्ट करने हैं, तो हम टाइप करेंगे लिस्ट स्पेस देके ऑल, यानी कि सारी कैटेगरीज और उनमें जो भी सारे मॉड्यूल्स हैं वो सारे ये डिस्प्ले करेगा हमें। तो ये एंटर कर दिया मैंने, थोड़ा हम वेट कर लेंगे ताकि ये दिखा दे हमें सारे अपने मॉड्यूल्स और सारे उसकी कैटेगरीज के वाइज। ये देखिए आगे हम नीचे, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी कैटेगरी से स्टार्ट होता है ये फ्रेमवर्क। देखिए सबसे पहली कैटेगरी है ये वाली OSINT, उसका ये कैटेगरी है OSINT में, ये कैटेगरी है पैसिव रिकॉन है। उसके बाद ये देखिए ये एक्चुअली कैटेगरी है पैसिव रिकॉन वाला और ये उसके मॉड्यूल्स है सारे, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं ठीक है पैसिव रिकॉग्निशंस करने के लिए। उसके बाद ये एक्टिव रिकॉन एक और कैटेगरी, उसके अंदर भी इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, ये देखिए पैसिव से भी ज़्यादा मॉड्यूल्स है इसमें। उसके बाद है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र, उसमें देखिए क्रेडेंशियल का क्रेडिट कार्ड्स
ईमेल, टेक्स्ट, एरर्स, फिर फ़ोन नंबर, SSN नंबर्स, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर स्कैनिंग और एन्यूमरेशन में आए तो देखिए, जनरल स्कैनिंग करके एक कैटेगरी है, उसमें ये सारे ऐप स्कैन ये देखिए, और बाकी और भी है, स्कैन ऑल, वेब स्कैन है, वेब स्कैन है, ये देखिए वेब, अगर आप कमांड मतलब मॉड्यूल रन करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा फायरवॉल फिंगरप्रिंट करके देगा आपको, ठीक है। पोर्ट स्कैन करना है अगर आपको तो ये पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, इसमें भी इतने सारे मॉड्यूल्स है, देखिए फिन स्कैन है, SIMP स्कैन है, ठीक है, एक्समस स्कैन है। तो इसके बाद अगर वेब क्रॉलिंग अगर आपको करना है, अगर बग क्राउड यानी कि बग क्राउड या फिर कोई भी आपके पास टारगेट है उसका क्रॉलिंग करना है तो ये देखिए क्रॉलर 1, क्रॉलर 2, क्रॉलर 3, यानी कि इतनी डेप्थ तक ये क्रॉल करेगा किसी भी वेबसाइट को। और अगर नीचे जाते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इसमें देखिए मिसकन्फिग्रेशन इश्यूज कोई हैं उसके लिए ये एनालाइज करेगा। क्लिक जैकिंग है, ठीक है, क्लाउड फ्लेयर मिसकन्फिग्रेशन है उसके लिए करेगा, XSS ट्रेस के लिए ये करेगा, ठीक है, ये सारे के लिए मिसकन्फिग्रेशन के लिए ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि ये यूज़ कर सकते हैं आप। फिर सेवर इश्यूज़ के लिए आप स्कैनिंग कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को, ठीक है, ये देखिए CRLF है, CSRF है, HTML इंजेक्शन है, LDAP है, ठीक है, LFI लोकल फाइल इंक्लूजन है, ये सारे SQL इंजेक्शन है, ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ के लिए भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं ये सारे मॉड्यूल्स का यूज़ करके। उसके बाद आता है वीक क्रेडेंशियल, आपको अगर FTP ब्रूट फोर्स करना है, SMTP ब्रूट फोर्स करना है, SSH ब्रूट फोर्स करना है तो भी आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद एक्सप्लॉइट में आते हैं, उसमें एक्सप्लॉइट्स दिए गए हैं, शेल शॉक एक्सप्लॉइट है और एक्सप्लॉइट ऑल, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही मॉड्यूल हैं और आप इसका यूज़ करके एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। फिर पोस्ट एक्सप्लॉइट में है ऑल और इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसका पैसिव रिकॉग्निशंस करते हैं, जो हमने टारगेट ऐड किया है यानी कि बग क्राउड का हम पैसिव रिकॉग्निशंस करते हैं। उसमें हम पहले चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, ये देखिए अगर ये सिंगल आपको मॉड्यूल यूज़ करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सारे मॉड्यूल एक ही बार में रन करने हैं तो ये एक मॉड्यूल है, ये कमांड है, इसे यूज़ करके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल OSINT पैसिव, यानी कि ये सारे मॉड्यूल एक साथ रन कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले तो यूज़ करते हैं सबनेट यूज़ करते हैं सबनेट एन्यूमरेशन करने के लिए। तो टारगेट हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया है बग क्राउड, और इसको सबनेट को लोड करने के लिए हमें कमांड देना होगा लोड, फिर मॉड्यूल का नाम सबनेट लोड, और फिर मॉड्यूल का नाम, ये कमांड है किसी भी मॉड्यूल को लोड करने के लिए। तो ये एंटर कर दिया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल यहाँ पे लोड हो चुका है, ये ब्राउन रंग में दिख रहा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, लेकिन ये सबनेट मॉड्यूल लोड हो चुका है। अब इस मॉड्यूल में क्या क्या हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या क्या सेटिंग करनी है उसके बारे में जानना है, तो हमें इन्फो कमांड टाइप करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, एन्यूमरेट सबनेट्स फ्रॉम द ऑफ द टारगेट्स नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी सेट नहीं करना है, तो हम सिंपली अटैक कमांड टाइप करके इस पे इस मॉड्यूल को रन कर सकते हैं। यहाँ चलिए हम टाइप करते हैं AttackCK अटैक और एंटर करता हूँ तो ये मॉड्यूल रन करेगा। ये देखिए मैंने एंटर कर दिया, ये मॉड्यूल रन होना शुरू हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एन्यूमरेटिंग सबनेट्स इन नेटवर्क, ये देखिए इसने फाइंड कर लिया है सबनेट, ये देखिए ये एड्रेस, ये IPv6 एड्रेस है, ये इसका सबनेट और नेट मास्क, ठीक है, वाइल्ड कार्ड कुछ भी नहीं है, होस्ट बिट्स 0, होस्ट रेंज ये देखिए IPv6 एड्रेस की होस्ट रेंज यहाँ पे हमने इसने दे दी है। अब ट्राई करते हैं एक और नया मॉड्यूल, चलिए करते हैं पैसिव रिकॉन नहीं, अब एक्टिव रिकॉन में से कोई एक मॉड्यूल यूज़ करते हैं, फाइल ब्रूट नहीं, लॉग ब्रूट नहीं, रोबोट, ठीक है, ये रोबोट और साइट मैप आपको
robot.txt और sitemap.txt आपको प्रिंट करके देगा। तो हम ये रोबोट मॉड्यूल यूज़ करते हैं एक्टिव रिकॉन में से। तो आ गया हूँ मैं नीचे, यहाँ पे यहीं से आप लोड कमांड रन कर सकते हैं। पहला मॉड्यूल भले ही आपने लोड हो, फिर भी आप डायरेक्ट लोड कमांड रन करके रोबोट ये रोबोट में मॉड्यूल लोड हो चुका है। अब हम इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले रोबोट डॉट टी एक्स टी एंड एसक्यूएल में साइट मैप डॉट टी एक्स एम एल फाइल ये दिखा देगा हमें। तो चलिए यहाँ पे अटैक करते हैं। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रोबोट डॉट टी एक्स टी और साइट मैप डॉट एक्स एम एल यहाँ पे ये देखिए पूरी वेबसाइट की साइट मैप उसने यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले कर दी है। ठीक है, ये देखिए डिसअलाउ क्या करके रखा है, वो क्वेश्चन मार्क प्रीव्यू इसने डिसअलाउ करके रखा हुआ है। तो आप और साइट मैप यहाँ पे फाउंड कर लिया है इसने। ये देखिए इतने सारे पेजेस है इसके अंदर, इतने टॉर है, इतने स्टोरीज हैं। ठीक है, तो ऐसे आप एक्टिव और पैसिव रिकॉन कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल की मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की तरह ही है। तो आप अगर मेटास्प्लॉइट चलाना जानते हैं तो इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेटास्प्लॉइट चलाना नहीं भी जानते हैं तो भी ये बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे कमांड्स क्लियरली दिए हुए हैं और आप जैसे ही रेगुलरली इसे यूज़ करने लगेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे इससे। और बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है, बहुत काम आता है बग बाउंटी के लिए, या फिर अगर आप किसी कस्टमर के लिए वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही काम का फ्रेमवर्क है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि आपको इस फ्रेमवर्क के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस टूल के बारे में जान के अच्छा लगा होगा और ये टूल भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टूल के बारे में जान सके और इसे यूज़ कर सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।